ओके, सो आप सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते, उसको प्रभास कहते हैं। और आदिपुरुष में अपना नाम खराब करने के बाद प्रभास ने ये डिसाइड किया है कि भाई अपनी अगली आने वाली मूवी का टीजर सुबह सुबह आएगा ताकि लोग उसके बारे में सुबह सुबह बोले। खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन टीजर काफी अच्छा है और फुल केजीएफ वाली वाइब देता है। लेकिन इतना बड़ा धोखा भाई कौन देता है, पूरा टीजर देख लिया वो भी सुबह सुबह नींद खराब करके, लेकिन प्रभास का न्यू लुक कहीं भी देखने को नहीं मिला। बस एक छोटे से सीन में खून से सना हुआ घूंसा दिखा दिया फेस को ब्लर करके, लेकिन ठीक है इतना तो हम सह सकते हैं। साथ ही इसका जो बीजीएम है वो केजीएफ से बहुत ही ज्यादा अलग है, वो एकदम फ्रेश वाइब देता है जो कि एक अलग माहौल क्रिएट करता है, जैसा कि केजीएफ के बीजीएम ने किया था। लेकिन इसके टीजर में जितने भी बैकग्राउंड देखने को मिलते हैं और जो डार्क टोन में फाइट सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, प्लस वो फैक्ट्री वाला सीन हो या फिर ये कमांडो और ये गुंडो वाला सीन हो, ये टोटली वही केजीएफ वाली वाइब देता है जिसकी डिटेलिंग में बात हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन इसको देखने के बाद लग रहा है कि भाई प्रशांत नील का केजीएफ के साथ एक और नया यूनिवर्स बनाने का ये ड्रीम हो सकता है, जिसका हमको बस पहला पार्ट ही देखने को मिलेगा सीज फायर नाम से, जो कि 28 सितंबर को रिलीज होगा। वैसे सलार एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब लीडर होता है, और जो लीडर होता है वो अपने मालिक का हमेशा एक वफादार सोल्जर होता है, और ये तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि इस यूनिवर्स में मालिक कौन है। खैर अब इस टीजर की बात करें तो टीजर में प्रभास को एक तगड़े डायलॉग के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो भी सारे जानवरों को साइड में रखकर प्रभास को एक डायनासोर से कंपेयर किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर यही है कि प्रशांत नील का ये वाला जादू भी चल जाएगा केजीएफ की तरह, वरना ओम राउत ने तो लंका लगा दी थी भाई प्रभास के स्टारडम की। और प्रभास के जितने भी फैंस को आदिपुरुष में प्रभास की एक्टिंग को देखकर जो बुखार आया था, अब उनके लिए ये वाली मूवी एक दवाई का काम करेगी। और ये बात भी सच है कि इस मूवी के अंदर कोयले की खदान को देखकर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कि हमको आदिपुरुष के टाइम पर हुई थी। खैर आपको इसका टीजर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।